नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास की विनय पत्रिका में से 1 से 10 तक के पदों की व्याख्या हमें यहाँ पर करनी है। आज हम पहला और दूसरा पद की व्याख्या देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला पद है वो गणेश वंदना का है। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गाइए गणपति गज बदन शंकर सुवन भवानी नंदन। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने गणेश जी को याद किया है और वो क्या कहते हैं कि गाइए, किसको, किसका गान गाइए, गणपति। गणपति का मतलब है गणों के स्वामी, गण यानी देवताओं के स्वामी, जग वंदन। और इस संसार, ये संसार जो वंदना करता है, जिसकी वंदना करता है वो कौन है, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर और भवानी यानी शंकर और पार्वती के जो नंदन है, आनंद देने वाले हैं या उनको प्रसन्न करने वाले, श्री गणेश का वंदन कीजिए या उनके गुणों का गान कीजिए। रिद्धि सदन गजबंदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। यहाँ पर वो गणेश जी के बारे में बताते हैं कि वो सिद्धि सदन, सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हैं। कौन सी सिद्धियाँ हैं गणेश जी के पास, जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उसको उन्होंने प्राप्त किया है। सिद्धि यानी एक अलौकिक शक्ति। गज बदन, गज यानी जिनका बदन यानी चेहरा कैसा है, हाथी के समान है या हाथी का जो मुख है वो उन्होंने धारण कर रखा है, और विनायक हैं। विनायक से तात्पर्य क्या है, विघ्नों को हरने वाले नायक। विघ्न यानी संकटों को हरने वाले नायक अर्थात कृपा सिंधु हैं। उनके आशीर्वाद से सभी संकट दूर हो जाते हैं क्योंकि वो कृपा के सागर हैं। सुंदर सब लायक, और वो सुंदर हैं और प्रत्येक तरह से, हर तरह से लायक यानी योग्य हैं। कौन, गणेश जी। मोदक प्रिय, उनको क्या है, मोदक, जो एक विशेष प्रकार का लड्डू गणेश जी के बनाया के लिए बनाया जाता है मोदक, वो उनको बहुत प्रिय है। मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो आनंद और मंगल यानी मुद आनंद, मंगल दाता और कल्याण को देने वाले हैं। विद्या वारिधि, वारिधि होता है समुद्र, विद्या के सागर हैं और बुद्धि के विधाता हैं। कौन है, गणेश जी की वंदना चल रही है और उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वो विद्या के सागर हैं और बुद्धि के विधाता है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, तुलसीदास जी मांगते हैं कैसे, कर यानी हाथों को जोड़कर, बसही राम सिए मानस मोरे, कि बस हो हे मंगल गणेश जी। वो निवेदन करते हैं तुलसीदास जी, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में श्री राम और जानकी निवास करें। बस ही राम सिए मानस यानी मन में, मोरे यानी मेरे। वो गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि गणेश जी आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि राम और सीता हमेशा मेरे हृदय में, मेरे मन में बसे रहे, विराजमान रहे। तो यहाँ पर गणेश जी की वंदना, विनय पत्रिका के जो पहला पद है वो गणेश जी की वंदना है, और गणपति जी को ध्यान किया गया है जो कि शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। वो सिद्धि के, सिद्धियों से युक्त हैं यानी उनमें अनेक शक्तियां हैं। उनका जो बदन है, चेहरा है, वो हाथी का है, वो संकटों का नाश करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं, सुंदर है और सभी कार्य करने की योग्यता उनमें है। उनको मोदक प्रिय हैं, मंगल के विधायक हैं, मंगल के दाता हैं, बुद्धि के या विद्या के वो सागर हैं और बुद्धि के विधाता हैं। और तुलसीदास जी उनसे क्या निवेदन करते हैं कि हे गणपति आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि राम और जानकी हमेशा मेरे मन में बसे रहें, मेरे मन में निवास करें। विनय पत्रिका का जो दूसरा पद है उसमें सूर्य की स्तुति की गई है। दूसरे पद में किसकी स्तुति है, सूर्य की स्तुति है। क्या कहते हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा, कि दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले कौन है, दिवाकर। दिवाकर यानी सूर्य, देवा यानी देवता, कि हे सूर्यदेव आप कैसे हो, दीन दुखी जनों पर दया करने वाले देव हो। कर मुनि मनुज सुरासर सेवा, मुनि करते हैं, मुनि यानी जो ऋषि मुनि है, मनुज, मनुज यानी जो मनुष्य है, सुर और असुर यानी देवता और राक्षस सब आपकी सेवा
करते हैं। हिमतम करी केहरी कर माली, दहन दोष दुख दूरित रुजाली। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, हिमतम करी। हिम से तात्पर्य क्या है, बर्फ। हिम यानी बर्फ, तम क्या होता है, अंधकार अंधेरा, करी है हाथी, केहरी होता है सी, कर माली। तो यहाँ पर क्या है, किरणों की माला धारण करने वाले, कर यानी किरणें, माली यानी माला, कि हे सूर्यदेव आप तो किरणों की माला धारण करने वाले हो, और कैसे हो आप, बर्फ और अंधकार, तम यानी अंधकार रूपी करी यानी हाथियों को किसके समान, केहरी यानी सिंह के समान मारने वाले हो। देखिए जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है, और सूर्य की किरणों से अंधकार, तम यानी अंधकार रूपी जो हाथी, हाथी यानी यहाँ अंधकार की विशालता का प्रतीक है हाथी, ऐसा नहीं है कि हाथी की तरह अंधकार है, यानी हाथी एक विशाल पशु है, उसी के समान चारों ओर फैला हुआ जो अंधकार है, विशाल अंधकार है, उसको आप सिंह के समान, सिंह क्या है यहाँ शक्ति का प्रतीक है, सिंह के समान आप उसे नष्ट कर देते हो, अर्थात आपकी किरणों से बर्फ पिघल जाती है और अंधकार दूर हो जाता है। दहन, दहन का मतलब क्या होता है, जला देना, दहन यानी अग्नि, दोष दुख दूरित रुजाली। रुजाली से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो रोग होते हैं, रोग या बहुत सारे जो रोगों का समूह है, या अनेक रोग जो शरीर में आ जाते हैं, आप उनका क्या कर देते हो, अग्नि दहन कर देते हो, नष्ट कर देते हो, किसको, दुख को, दोष को, दुख को, दूरित यानी दूरित से तात्पर्य क्या है, जो पाप होते हैं, कि मानव के जीवन में जो भी दोष हैं, दुख हैं या पाप है, या उसके जीवन में जो रोग हैं, उनको आप अग्नि, अपनी अग्नि से, अपनी किरणों से जला देते हो, उनको समाप्त कर देते हो। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। कोक किसके लिए कहा है, चकवा और चकवी। हम ये जो पुरानी कथाएं हैं उनमें सुनते आ रहे हैं कि जो चकवा चकवी है, ये पक्षी का जोड़ा है जो रात होने पर बिछुड़ जाता है और सुबह सूर्योदय होने पर फिर से मिल जाता है। तो ये कहते हैं कोक और कोकनद। कोकनद क्या है, कमल, कमल लोक प्रकाशी, कि जब इस संसार में, इस लोक में आप प्रकाश फैलाते हो तो आप चकवा चकवी को प्रसन्न कर देते हो। क्यों, क्योंकि उनका जो रात्रि का वियोग है वो समाप्त हो जाता है। ये हम सब जानते हैं कि चकवा चकवी संध्या होते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सुबह होते ही फिर से मिल जाते हैं, उसी पौराणिक प्रसंग को यहाँ पर लिया है। तेज प्रताप रूप रस राशि, आप अपने तेज प्रताप से, तेज प्रताप रूप रस राशि, कि आप तेज प्रताप और रूप के रस में रचे हुए हो, अर्थात आपका प्रताप या आपका तेज सारे संसार में फैला हुआ है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि आप प्रकाशवान हो, आप अपने भीतर अनेक तेज पुंज को लिए हुए हो, तो जिससे कि संसार को, इस लोक को प्रकाश प्राप्त होता है, चकवा चकवी का वियोग दूर होता है, और कमल को खिलने में, कमल को प्रफुल्लित करने वाले आप संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भी हो। सारथी पंगु दिव्य रथ गामी, कि आपका जो सारथी है, चलाने वाला सारथी, वो पंगु है, अर्थात उस वो कौन है, अरुण इसको कहा गया है, अरुण है, पंगु है, लेकिन सारथी कौन होता है, जो रथ को चलाने वाला है, लेकिन आप दिव्य रथ पर गमन करते हो, दिव्य रथ पर चलते हो, आपका सारथी अरुण है जो पंगु है। हरि शंकर विधि मूर्ति खामी, हे ईश्वर, हे स्वामी, आप हरि यानी विष्णु, शंकर यानी शिव, विधि यानी ब्रह्मा, यानी विधि यानी जो विधाता है, विधाता कौन है, ब्रह्म को विधाता माना गया है ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु और शंकर यानी शिव, इन त्रिदेवों का मूर्ति, इन तीनों देवों की मूर्ति हो, आप इन तीनों देवों का रूप हो। वेद पुराण प्रकट जस जागे, वेदों और पुराणों में, वेद पुराण यानी वेदों और पुराणों में
प्रकट दिखाई देता है। क्या आपका जश, आपका यश जगमगा रहा है कि वेद और पुराणों में भी आपका यश जगमगाता है। तुलसी राम भक्ति वर मांगे। और हे सूर्यदेव, तुलसीदास आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप उन्हें राम की भक्ति का वरदान प्रदान करो कि मेरे मन में राम बसे रहें और मेरा मन राम की भक्ति में लगा रहे, ऐसा वरदान आप मुझे प्रदान करो। तो ये विनय पत्रिका के प्रथम दो पद है जिसमें पहला गणेश स्तुति है और दूसरा सूर्य स्तुति है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह बहुत जल्द मैं बाकी के बचे हुए पद भी करवाने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।